हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिल्पीज किचन में। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ बच्चों की लंच और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है। वीडियो बहुत छोटा सा है, लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ ली है 8-10 छोटे आलू। ये उबले हुए आलू है। आप मीडियम साइज के जो भी आपके पास आलू है वो आप ले सकते हैं। अब इन आलूओं को हम मैश कर लेते हैं। आलू मैश होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल में मैंने यहाँ डाल रही हूँ कैरेट, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ ऑनियन, हरी मिर्च चॉप की हुई और हरा धनिया। आप वेजिटेबल इस पे अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको आप ऑनियन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। मसालों में हम डालेंगे एक पीच हींग, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स का प्रयोग कर रही हूँ। अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं। एक टीस्पून चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हमें थोड़ा सा ये वेस्ट लेना है और छोटे छोटे पेड़े बनाकर रख लेने हैं। इस तरीके से हम पेड़े बना लेंगे। देखिए पेड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, इनको कर देते हैं साइड। अब हमने यहाँ लिया है ब्रेड, दो दो ब्रेड के ये सेट है। इसको हम इस कटोरी से गोल गोल कट कर लेंगे। आप किसी भी ढक्कन या कटोरी से इसको कट कर लीजिए। अगर साइड वाला पार्ट बचेगा तो हम उसका बना लेंगे ब्रेड क्रम्स। इसको भी हम वेस्ट नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। इस तरीके से ये सारे हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। इन स्लाइसों को इस तरीके से रखना है, जो हमने आलू के पेड़े बनाए हैं उनको इसके ऊपर रखना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इनको प्रेस कर दें। फिर उसके ऊपर से ये एक और ब्रेड से इसको ढक देना है। अब इनको कर देते हैं साइड में। अब एक बोल में हम लेंगे 2 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 टेबल स्पून लेंगे कॉर्नफ्लावर पाउडर। इसकी एक स्लरी तैयार करेंगे। इस स्लरी में हम डाल रहे हैं 1 चुटकी नमक, जिससे उसका ऊपर का सरफेस फीका ना रहे। अब हमको ये बेस ब्रेड का ये बेस लेना है, इस तरीके से इसमें डिप करना है। और जो ब्रेड के ये देखिए बची हुई ब्रेड का जो हमने क्रम्स बनाया है उससे हमें ये कोटिंग करनी है। ये इस तरीके से ये देखिए अच्छे से इस पर कोट हो जाए। गैस पर हमने पैन रख लिया है। अब इस पर हम करेंगे इनको पैन फ्राई। एक बार पे जितने आ जाएंगे उतने हम इसमें डालेंगे। उलटते पलटते इनको हम फ्राई करेंगे। इसको पलटने के लिए मैंने फोग लिया है। इनको डार्क ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए बनकर तैयार है हमारा यमी सा ब्रेकफास्ट। अक्सर बच्चे नाश्ते में या लंच में ब्रेड खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हम चीज़ सैंडविच ज़्यादातर बना देते हैं। कभी आपने चीज़ को पानी में डालकर देखा है? वो कभी भी मेल्ट नहीं होती। इससे तो अच्छा है इस तरीके का नाश्ता बना है जो बच्चों को हेल्थ के में भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से पच भी जाए। लीजिए मैंने तो आज की ये डिश बना दी। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।